यह पौधा आप घर में लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। भोलेनाथ को तो ये बहुत ही प्रिय पौधा है, क्योंकि इसके जो फल होते हैं, इसके फूल होते हैं और इसके यहाँ तक के पत्ते भी आप भोले बाबा के लिए अर्पित कर सकते हैं। आसान पल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एक बहुत ही खास जानकारी। हम लोग अपने घरों में पूजा करते हैं तो पूजा में जो दीपक हम लोग प्रज्वलित करते हैं, दीपदान करते हैं, तो उसमें जो रुई होती है, तो कपास की रुई आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। कपास आप देख सकते हैं कि इस तरीके से होता है और इसके जो बीज होते हैं वो पपीते के बीज की तरह थोड़ा चिकने चिकने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने बीज लिया हुआ है, इसका निकाला हुआ है, ये ओरिजिनल कपास है। तो कपास की रुई तो सरलता से आपको मिल जाएगी, आप इसका दीपदान भी करते हैं, हम लोग अपने घरों में पूजा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे भी जो पवित्र रुई होती है, जो खास रुई होती है, वो रुई होती है आंकड़े की। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आंकड़े की रुई है वो इस तरीके से होती है, यानी आंकड़े की रुई आपको बाजार में आप लेने जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो रुई आपकी शुद्ध है या नहीं है या कैसी क्वालिटी में है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और ये जो आंकड़े की रुई है इसको आप बहुत ही सरलता से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आंकड़े का जो पौधा है हम लोग अपने घरों में भी लगाते हैं और कहीं भी हम लोग जाते हैं तो ये हम लोगों को रोड के किनारे आसानी से मिल जाता है। आप छोटा सा गांव का रोड आप तय कर रहे हो या बड़े शहर में कहीं भी जा रहे हो तो आंकड़े का पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। और जब ये पकता है, मई जून के टाइम पर ये पकता है, तो वहां पर क्या होता है कि इसकी जो भुजिया जैसी इसकी जो फल होता है तो उस वो फल को आप भगवान के लिए भी अर्पित कर सकते हैं। और जब ये पक जाएगा तो ये क्रैक होता है, जब क्रैक हो जाता है तो इसमें से छोटी छोटी जो रुई के रेशे हैं ना, तो बीजों सहित ये निकलने लगते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने बीज वाला ये अलग से मैंने ले रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये जैसे हमारे तिल के दाने होते हैं तो इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से ये तिल के दाने होते हैं। तो ये तिल के दाने जैसे एकदम चिपटे चिपटे से, पतले पतले से, और ये इसके बीज होते हैं। और जो मैंने बताया है जो ये कपास का बीज होता है, ये पपीते के बीज की तरह एकदम ठोस और चिकना होता है। तो ये होती है कपास की रुई और ये होती है, ये हमने आपको बताया कि ये आंकड़े की रुई। तो आंकड़े की जो जड़ होती है तो इसमें गणेश जी का निवास होता है। और इस पौधे को यदि आप घर के दाहिने तरफ लगाते हैं, इसके पहले भी मैंने आंकड़े की वीडियो दे रखी है, और आपको क्या करना है कि ये पौधा आप जब घर में लगाते हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। इसके साथ साथ इसके जो जड़ होती है तो जड़ में गणेश जी का निवास होता है। यह पौधा आप घर में लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। भोलेनाथ को तो ये बहुत ही प्रिय पौधा है, क्योंकि इसके जो फल होते हैं, इसके फूल होते हैं और इसके यहाँ तक के पत्ते भी आप भोले बाबा के लिए अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप दीपावली के दिन इसी रुई के दीपक से आप दीपदान कर सकते हैं, और रोज में भी आप जो दीप लगा रहे हैं तो वह आपको, यदि आप ये कपास की रुई की बजाय यदि आप इस रुई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको देवी कृपा बहुत ज्यादा प्राप्त होती है, देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये बिल्कुल मुफ्त की रुई है, आप कपास की रुई को तो बाजार में खरीद कर लाएंगे, लेकिन जो कपास वाली रुई है तो ये तो ईजिली मिल जाएगी और ये तो और भी सरलता से मिल जाती है। बस थोड़ा सा आपको परिश्रम करना होगा, लेकिन उस परिश्रम से आपकी जो पूजा है वो सार्थक हो जाएगी। तो ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से शेयर करें।